नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर को हुआ कोरोना, पिता सीपी ठाकुर पहले से हो चुके थे संक्रमित। पटना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर कोरोना अपडेट हो गए हैं। विवेक ठाकुर ने अपनी तबीयत बिगड़ने और शुरुआती लक्षण आने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराया था। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके पिता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर पहले से ही कोरोना संक्रमित हो चुके थे और पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा था। भागलपुर के मायागंज में मॉब लिंचिंग पीड़ित ने तोड़ा दम। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले में पड़ोसियों के द्वारा मॉब लिंचिंग का शिकार युवक ने इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया है। घटना के बाबत में बताया जा रहा है कि रामसर निवासी युवक प्रमोद मंडल के छठ पर्व में नहाए खाए की देर शाम उसके पड़ोसी से आपसी रंजिश हो गई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे पड़ोसियों के द्वारा प्रमोद की जमकर पिटाई की गई थी। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बोले, अभी नहीं खुलेंगे प्राथमिक और मध्य स्कूलें, बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। कोरोना के कारण मार्च से देश भर में सभी स्कूलें बंद हैं। हालांकि बीच बीच में सरकार स्कूलों के संचालन पर मंथन करती आई है, लेकिन वर्तमान में फिर से एक बार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में स्कूलों में आने वाले बच्चों को लेकर अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। राज्य में बंद प्राथमिक और मध्य स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार भी कोई जल्दीबाजी में नहीं है। नीरज कुमार का कांग्रेसी नेताओं पर बड़ा हमला, पूछा रेप के आरोपी अरुण यादव पर सवाल उठाने में राजनीतिक टॉन्सिल बढ़ जाती है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सदस्य ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक गुलनाज को इंसाफ दो, महिला विरोधी सरकार शर्म करो के पोस्टर लहरा रहे थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। पापा का सपना साकार करेंगे श्रेयसी सिंह, बोली राजनीति के लिए शूटिंग नहीं छोड़ सकती। पटना में अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह पहली बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंची हैं। वह जमुई के बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी हैं। आज शपथ लेने के लिए वह सदन। तेजस्वी यादव ने किया शपथ ग्रहण, विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ जारी। बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। 17वीं विधानसभा सत्र के दौरान सामाजिक दूरी बरतने के लिहाज से सदस्यों का बारी बारी से शपथ होना है। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शपथ लिया, इसके बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी का शपथ हुआ, उसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने शपथ लिया, इसके बाद मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रामप्रीत पासवान एवं कई एनडीए के सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। कांग्रेस विधायक सलीक अहमद खान ने संस्कृत में ली शपथ, कहा ये क्लासिक भाषा है, जाहिलों को समझ नहीं आता तो क्या करूं। बिहार चुनाव 2020 के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार का गठन हो गया है। बता दें कि 17वीं बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू और संस्कृत में किसी भी एक भाषा में शपथ लेने की छूट है, जिसमें कांग्रेस विधायक सलीक अहमद खान ने संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। बिहार में मिले कोरोना के 412 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,01,044। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 412 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,01,044 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,601 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं।
छठ के मौके पर बंद घरों में सफाई। पटना में अब तक 2 दर्जन घरों में चोरी की शिकायत दर्ज। छठ पूजा के मौके पर राजधानी पटना में पेट्रोलियम के जो दावे पटना पुलिस ने किए थे वह धरे के धरे रह गए और चोरों ने बंद पड़े घरों में सफाई कर डाली। छठ पूजा के बाद जैसे जैसे लोग पटना अपने घर लौट रहे हैं वैसे वैसे चोरी की घटना सामने आ रही है। बंद पड़े घरों में अंदर चोरों ने जो सफाई की है उनकी कंप्लेन भी पुलिस के सामने अब लगातार दर्ज हो रही है। डॉक्टर की लापरवाही से महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने किया तोड़फोड़। समस्तीपुर में डॉक्टर की लापरवाही से महिला और नवजात की मौत हो गई है, जिससे नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ किया। यह घटना मोहनपुर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल की बताई जा रही है।